हेलो दोस्तों, ये सुखदेव तनेजा चैनल है और आज की हम वीडियो में अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। इस बार हमने मंगवाया है Redmi Book Pro लैपटॉप। दोस्तों ये मुझे जो है MI स्टोर से जो है 38,000 से 39,000 का पड़ा है। जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड का ऑफर लिया और कुछ अपने MI टोकन्स यूज़ किए। और अगर आप अमेज़ोन से ख़रीदना चाहते हैं तो मैं वीडियो की डिटेल में इसके लिंक्स डाल दूँगा। तो इसकी हमने रैपिंग हटा दी है और मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि सेलर आपको कैसी पैकिंग में भेजता है। तो चलिए मैं फटाफट इसके रैपर को हटा देता हूँ। तो दोस्तों हम चेक करते हैं कि इसके बॉक्स में क्या क्या फीचर्स लिखे। फुल HD डिस्प्ले है जिसका साइज जो है 15.6 इंच है। अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज है, तो इसमें जो है आपको 512 GB की SSD मिलेगी। थिन एंड लाइट है और इसका जो नेट वजन जो है वो है सिर्फ 1.8 kg का। और इसमें जो है हाई स्पीड 8 GB रैम मिलेगी। डे लॉन्ग बैटरी है, तो बैटरी का जो बैकअप है कंपनी का जो दावा है वो 8 से 10 घंटे का है। जबकि बॉक्स के लेफ्ट साइड जो है आप ये देख सकते हैं, इसकी थोड़ा सी टेक्निकल डिटेल बताई गई है। CPU जो है इसमें i5 कोर है। अगर आप मॉडल की बात करें तो वो है 11300H। GPU जो है इसमें आपका इनबिल्ट आप कह सकते हैं। RAM जो जैसे मैंने आपको बताया था 8 GB है। SSD जो है 512 है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें डिफ़ॉल्ट है, यानी कि ओरिजिनल आपको विंडो 10 होम मिलेगी जो कि अपग्रेडेबल है 11 आपको मिल रही है। तो इसका जो ग्रोस वेट जो है वो 2.7 kg बताया गया है। और ये इसके डायमेंशन है 50.4 cm × 8 cm × 3.9 cm। और इसमें जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट ब्रांड का जो है ऑफिस भी मिलेगा, जिसका वर्जन जो है वो है 2019। शायद इस QR कोड से जो है आप इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है पहले से सील थी जो कि मैंने काट दिया खोलने के लिए। तो चलिए मैं इस बॉक्स को आपको खोलकर दिखाता हूँ। सेलर ने जो पैकिंग दी है बहुत ही अच्छी दी है, शॉक प्रूफ पैकिंग दी है। जब भी आप कोई भी लैपटॉप मंगवाए तो उसको फटाफट खोलकर चेक जरूर कर लें कि भैया आपका डिस्प्ले ख़राब तो नहीं हुआ, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। तो चलिए मैं इस लैपटॉप को आउट ऑफ बॉक्स निकालता हूँ। और ये वाला जो हिस्सा है इसमें हमारे अडेप्टर या केबल्स वगैरह हैं। तो इसके साथ जो है आपको कोई भी लैपटॉप बैग नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। तो आप हमारे लैपटॉप का फर्स्ट लुक देख सकते हैं। तो ये रैपिंग मुझे हटानी पड़ेगी। और इसमें जो है जैसे मैंने आपको बताया था इसके चार्जर वगैरह हैं। और ये आपको एक यूज़र मैनुअल कह सकते हैं, छोटा सा वारंटी कार्ड वगैरह कि भैया लैपटॉप को आपने कैसे सेटअप करना है। और एक एक प्रिकॉशंस जो है इसमें बताई गई है। और इसके साइड में आप जो देखोगे वारंटीज कार्ड्स और टर्म्स एंड कंडीशन सारी इसमें बताई गई है। फ्रेंड्स, हम वीडियो के नीचे जो है अपने अमेज़ोन पे स्टोर का लिंक डाल देंगे। आप वहां पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को जो है खरीद सकते हैं। हर प्रोडक्ट की हमने कैटेगरी बना रखी है। तो मैं जो है इस लैपटॉप का आउटर रैपर निकाल देता हूँ और इसका अडैप्टर भी आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। तो हमने जो है अपना लैपटॉप आउट ऑफ रैपर निकाल लिया है और आप ये देख सकते हैं इसका जो लुक है ठीक ठाक है। जो इसकी बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई है पर लुक जो है मेटालिक है। मुझे लगता है कि जो इसकी बॉडी है वो काफ़ी स्ट्रोंग है, आसानी से ये ख़राब नहीं होगा। और ये आपका जो है चार्जर है, तो चलिए इसको भी मैं आउट ऑफ रैपर निकाल देता हूँ। तो ये चार्जर की आप टेक्निकल डिटेल आप ये देख सकते हैं। तो ये MI का प्रॉपर चार्जर नहीं है। तो लोगों ने बहुत ही कमेंट्स किए हैं कि भैया इसके साथ ओरिजिनल MI का चार्जर क्यों नहीं आ रहा। तो हो सकता है कि कंपनी जो है चार्जर को दूसरी कंपनी से इंपोर्ट करवा रही हो, मतलब बनवा रही हो। तो ये 65 वाट का है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी टेक्निकल डिटेल आपको दिख जाएगी। ये इसकी केबल है और जो केबल की जो लेंथ है वो 2.5 मीटर के आसपास होनी चाहिए। तो लैपटॉप के बारे में और बताने से पहले मैं आपको इसकी सारी टेक्निकल डिटेल बताना चाहता हूँ जो सेलर ने हमें बताई है। तो हम जो है इसकी टेक्निकल डिटेल समझते हैं इनकी फोटोज से। तो ये आप इसका लुक वगैरह आप ये देख सकते हैं। तो ये इसके फीचर है, जैसे इसमें 720p HD वेब कैमरा है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो जो है वो 18.8 cm है। डिस्प्ले जो है वो एंटी ग्लेयर है। और ये स्क्रीन का साइज बताया हुआ है। ये कीबोर्ड का लुक दिया गया है। तो कीबोर्ड टाइप जो है वो सीजर मैकेनिज्म है,
1.5 mm के जो है इसमें बटन्स आप कह सकते हैं, मल्टी गेस्टर सपोर्ट इसमें दिया गया आपकी जो टच पैड है। लैपटॉप का डायमेंशन बताया गया है कि जो इसकी चौड़ाई है वो है 243.5 mm और लंबाई जो आप कह सकते हैं वो 363.8 mm और नेट वजन जो है जैसे मैंने आपको बताया था वो 1.8 kg है। थिकनेस जो है 19.9 mm है और इसका जो लुक है जो इसका जो कलर है वो चारकोल ग्रे है। तो ये इसके कनेक्टिविटी पोर्ट्स हैं, तो इसमें आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, दो जो है इसमें USB 3.2 जनरेशन 1 पोर्ट है, एक 1 HDMI पोर्ट है, जबकि लैपटॉप की दूसरी तरफ जो है आपको एक RJ45 पोर्ट मिलेगा जो कि LAN के लिए होता है या नेटवर्किंग के लिए आप कह सकते हैं USB 2 पोर्ट है और इसमें एक SD कार्ड रीडर है और आपको एक 3.5 mm का कॉम्बो ऑडियो जैक है, मतलब इसी में माइक का भी फंक्शन होना चाहिए। इसमें जो है 2 वाट के स्टीरियो स्पीकर है और इसकी जो आवाज़ जो है इस लैपटॉप की वो बहुत ही अच्छी है। इसमें आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन भी मिलेगा। तो इस फोटो से जो है आप इसके सारे पोर्ट्स वगैरह कनेक्टिविटी पॉइंट आप समझ सकते हैं जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो फटाफट आपको बता देते हैं, 2 USB 3.2 पोर्ट, एक जो है इसका USB 2 पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट है, एक LAN पोर्ट है, एक 3.5 ऑडियो जैक है और एक SD कार्ड रीडर है। इस लैपटॉप में जो है प्री इंस्टॉल्ड विंडो 10 होम है और आने वाले टाइम में जो है ये आपकी अपग्रेडेबल है 11 में। और इसी लैपटॉप में जो है आपको प्री इंस्टॉल जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम मिलेगा, तो जिसको आपको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। इस लैपटॉप में जो है आप मल्टी फंक्शनल काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है 8 GB रैम है, तो रैम जो है इस लैपटॉप में सील्ड की गई है, मतलब रैम को आप शायद चेंज नहीं कर पाएंगे खुद, MI स्टोर में जो है शायद वहाँ अपग्रेड हो जाए या आपको कुछ देसी जुगाड़ करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, होनेस्ट रिव्यू के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सेलर हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्री रिव्यू के लिए। हार्ड डिस्क की बात करूं तो इसमें जो है दोस्तों 512 GB फास्ट NVMe स्टोरेज है जो कि एक चिप टाइप, जैसे आप रैम लगाते हैं वैसे ही जो है आजकल हार्ड डिस्क भी चिप टाइप आ गई है जो कि फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल SSD से। कंपनी जो है दावा करते हैं कि आपको 10 घंटे का बैकअप मिलेगा, तो वो मैं आपको टेस्ट करके बता दूंगा 10 या 15 दिन चलाने के बाद। इस लैपटॉप में जो है दोस्तों बेहतर वाईफाई कनेक्टिविटी है, तो इस लैपटॉप में जो है आपको AC टाइप का नेटवर्क मिलेगा, तो जिससे जो है आप चाहो तो अपने राउटर का जो 5 GHz की जो वेवलेंथ आती है वो भी आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस लैपटॉप का आप रियल वेट जो है आप ये देख सकते हैं बिना किसी चार्जर के, तो वो है 1.7 kg और विद चार्जर अगर आप देखोगे तो नेट वजन जो है वो है 2.1 kg। तो ये वजन जो है लैपटॉप का बहुत ही मायने रखता है अगर आप अपने लेग्स पे रखकर काम करना चाहते हैं या इस लैपटॉप को ऑफिस ले जाना चाहते हैं, कॉलेज या स्कूल ले जाना चाहते हैं, तो लैपटॉप जितना लाइट होगा उतना ही बेहतर रहेगा। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है आप ये देख सकते हैं 36 cm है। लंबाई की बात करें तो आप ये देख सकते हैं ये 24 cm के आसपास है। हम भी देखते हैं कि भैया ये सिंगल हैंड से खुलता है कि नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर चेक करेंगे भैया सिंगल हैंड से खुल जाता है, तो रियल में खुलता भी है कि नहीं, तो देखिए खुल तो रहा है, बस थोड़ा सा मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो सिंगल हैंड में आसानी से नहीं खुलेगा, तो दोनों हाथ लगाओगे तो प्रॉपर खुलेगा। इस लैपटॉप को फर्स्ट टाइम आप खोलोगे तो आप ये देख सकते हैं कि इस कागज़ में जो है आप बताया गया कि भैया कैसे आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपने अपना AC अडेप्टर को जो है पावर देनी है और इसकी बैटरी को एक्टिवेट करना है। इसकी बैटरी जो है इसी के अंदर सील्ड है, मतलब बैटरी अलग से आप निकाल नहीं पाएंगे मेरे हिसाब से। और जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे तो विंडो विल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी और एक्टिवेट भी हो जाएगी, और आपको जो है पहले जो है इसको नॉर्मल अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक एक स्टेप जो है दिखाऊंगा अभी। तो ये चीज़ें जो है बाकी यूट्यूबर्स नहीं दिखाते हैं क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आप मेरी वीडियो से सीख सकें कि फर्स्ट टाइम अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हैं तो उसको कैसे सेटअप करना है, कैसे बूटअप करना है, एक एक चीज़ जो है मैं आपको दिखाऊँगा।
ये एक्टिवेशन गाइडलाइंस बताई है। तो ये ध्यान रख लें कि लैपटॉप अगर आप रखना चाहते हैं तभी इसकी विंडो को एक्टिवेट करें, और एक्टिवेशन बहुत ही आसान है, जस्ट इस कंप्यूटर को इंटरनेट से आपने जोड़ना है। दूसरा जो है इसमें बताया कि भैया आप कैसे आप मोड को चेंजेस कर सकते हैं, साइलेंट वर्सेस बैलेंस मोड बाय प्रेसिंग Fn प्लस की कम्बिनेशन की। आपको इसकी कीबोर्ड्स वगैरह लुक वाइज और टच पैड वगैरह दिखा देता हूँ। तो जैसे इसका ये पावर बटन है, मैं लाख कोशिश कर लूँ जितना दबा लूँ अभी ये स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम जो है इसको पावर अडेप्टर से ऑन करना पड़ेगा। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो डाउट हो आप हमें फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर जवाब देंगे। लैपटॉप की जो क्वालिटी है, जो बिल्डअप है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो लोगों ने बहुत ही नेगेटिव रिव्यू किए हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो वो मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा। तो आप इसकी कीबोर्ड्स वगैरह देख सकते हैं, तो इसमें बैकलाइट्स नहीं है, तो कीबोर्ड जो है मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आवाज़ आ रही है, बाकी कीबोर्ड जो है हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, आसानी से ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए ये लॉक लग जाता है जैसे हम नीचे करते हैं, और बड़ी आसानी से ये खुल जाता है। तो चलिए हम जो है मैं आपको इसके पोर्ट्स दिखाता हूँ। तो लेफ्ट साइड जो है ये आपका चार्जिंग पोर्ट है, और ये आप ये दो देख रहे हैं वो है USB 3.2 पोर्ट, और ये जो है आप ये बीच में देख रहे हैं इसका HDMI पोर्ट है। राइट साइड आप देखोगे तो टॉप में जो है ये आपका LAN पोर्ट है, ये USB 2 पोर्ट है, और ये आप ये देख रहे हैं ये मेमोरी कार्ड रीडर आप कह सकते हैं, और इसमें जो है एक ही ऑडियो पोर्ट दिया गया 3.5 ऑडियो जैक कॉम्बो, तो इसी में जो है माइक का भी फंक्शन है। तो लैपटॉप के नीचे की तरफ देखोगे तो ये एयर वेंटिलेशन के लिए दिया गया है, बहुत ही अच्छा ये वेंटिलेशन इसमें दिया गया है, और ये चार जो है इसमें ये लेग्स हैं तो जिससे आप इसको टेबल पे भी रख सकते हैं। तो बाकी लुक वाइज जो है लैपटॉप बहुत ही स्लिम है, कॉम्पैक्ट इन साइज है, और इसकी जो बैटरी कंपार्टमेंट है वो सील है, मतलब जैसे मैं लेनोवा का लैपटॉप यूज़ करता हूँ उसमें बैटरी मैं निकाल सकता हूँ, पर इसमें ऐसा नहीं है। तो चलिए इस लैपटॉप को फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी बैटरी को एक्टिवेट करने के लिए इसको पावर से जोड़ना पड़ेगा। चार्जर आया है, तो ये आपकी जो केबल आई है आपने पहले इसे कनेक्ट करना है, आप बड़ी आसानी से कर लेंगे जैसे मैं आपको एक स्टेप बता रहा हूँ। और ये जो आपका लेफ्ट साइड के जो ऊपर वाला जो ये आप ये पोर्ट देख रहे हैं ये इसका DC पोर्ट है, तो इसमें आप लगाएंगे तो बड़ी आसानी से आपकी ये पिन लग जाएगी। तो जोर जबरदस्ती नहीं करना है, और इस पोर्ट को जो है आप ऑडियो पोर्ट से मिक्स ना कर देना, क्योंकि कई बार मुझसे भी गलती हो जाती है कि मैं भैया ऑडियो जैक में जो है DC पोर्ट लगा देता हूँ। तो ये ध्यान रखना कि दोनों दिखने में गोल जरूर है पर आपका जो पोर्ट है वो लेफ्ट साइड सबसे ऊपर है। लैपटॉप को फर्स्ट टाइम हम पावर दे रहे हैं, और मैं भी फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता आगे क्या क्या स्टेप मुझे फॉलो करने हैं। पावर देने के बाद जो है इसकी लाइट जल पड़ेगी, और आप ये देखिए मेरा लैपटॉप फटाफट स्टार्ट हो गया, जस्ट जैसे मैंने इसको पावर दी और लैपटॉप जो है बूटअप होना स्टार्ट हो गया। तो हम भी अपना लैपटॉप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और मैं आपको एक एक स्टेप दिखाऊंगा। अगर आपको इसको सेटअप करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरी वीडियो को देखकर सब कुछ कर पाएंगे। तो अब जो है मुझे विंडो एक्टिवेट करनी पड़ेगी, तो आप ये देख सकते हैं ये कुछ कोरोना ये जो है इसका वॉइस असिस्टेंट मुझे सारी इंस्ट्रक्शन बता रहा है, तो मैं इसको सेटअप कर रहा हूँ। यस, तो जैसे मैं सबसे पहले इंडिया सेटअप कर रहा हूँ तो यस करना है, तो शायद मैं कर्सर से कर देता हूँ। कीबोर्ड टाइप जो है पूछ रहा है तो मैं इंग्लिश इंडिया कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। स्किप कर देता हूँ। तो मैं जो है अपना वाईफाई का जो पासवर्ड डाल देता हूँ, मैंने जो है अपने राउटर का पासवर्ड डाल दिया है, और इसको जो है मैं नेक्स्ट पे टच कर देता हूँ, और अब जो है देखते हैं क्या होता है। तो ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है, तो जो है मुझे नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अपडेट कर रहा है, तो थोड़ी सी आपको ये वीडियो क्लियर नहीं दिख रही होगी क्योंकि इसका जो डिस्प्ले साइज है वो छोटा है और फंड्स भी छोटे हैं, तो थोड़ा सा जो मेरी ट्यूब का है रिफ्लेक्शन भी इस पे आ रहा है। तो चलिए मैं फटाफट आपको बूटअप हो जाए, सेटअप हो जाए, तो मैं फिर वापस आऊँगा। तो आप ये देख सकते हैं विंडो 10 लाइसेंस एग्रीमेंट है,
मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं जो है शायद इसकी जो डिफ़ॉल्ट विंडो आई है उसी को यूज़ करूँगा। तो अब जो ये कह रहा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना है, तो आपके पास अगर पुराना है आईडी है तो आप वो डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। देखता हूँ मैं नेक्स्ट करूँ तो हो रहा है कि नहीं। तो कुछ ना कुछ मुझे यहाँ डालना पड़ेगा। चाहो तो अगर आपके पास कोई यूएसपी की है, सिक्योरिटी की है, वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो अब जो है मैं नया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाता हूँ, तो आप चाहो तो फ़ोन नंबर भी यूज़ कर सकते हैं या न्यू ईमेल। और आप जो है ये कह रहा है कि भैया कोई सिक्योर पिन बनाना है, या देखता हूँ बिना उसके हो जाए, तो पिन तो इसमें डालना पड़ेगा। तो आप कोई भी सिक्योर पिन सेटअप कर सकते हैं। पिन बनाने के बाद जो है ये प्राइवेसी सेटिंग के बारे में पूछ रहा है, तो आप जो जो अनेबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने कुछ सेटिंग को अनेबल कर दिया, कुछ को डिसेबल कर दिया, उसके बाद जो है एक्सेप्ट करना है। तो ये शायद जो है आप बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं। कौन सा सेटअप करना है, तो मैं क्रिएटिविटी कर देता हूँ या देखता हूँ कि भैया एंटरटेनमेंट जो भी है, एक या दो ऑप्शन है, तो मैं देखता हूँ कितना मैं कर सकता हूँ। मैंने जो है चार ऑप्शन सिलेक्ट कर ली हैं, तो अपने हिसाब से आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना। We can work some magic so you can use your Android phone from your PC. Make calls, send text messages, use your mobile apps and more. Sounds useful. We'll send you a reminder to finish setting up your phone app. ये मैं रिमाइंड भी लेटर कर देता हूँ। आप चाहो तो अपना एंड्रॉयड फ़ोन भी इसके साथ सेटअप कर सकते हैं, तो देखना पड़ेगा कोई ऐप में शायद इसका यूज़ हो। अब जो है ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और वन ड्राइव के बारे में जो है कर रहा है, तो मुझे शायद नेक्स्ट ही करना पड़ेगा। तो जो मेरा फ़ोटो का बैकअप है, वीडियो बैकअप है, वो मैं जो है ऑन ड्राइव पे डाल सकता हूँ। तो नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया है। और अब जो है कह रहा है कि भैया आप अपना ऑफिस 2019 जो है ये क्लासिक वाला है, मतलब प्रोफेशनल नहीं है, तो मैं इसको भी रोटेट कर देता हूँ। ऑफिस को भी एक्टिवेट कर रहा है। फाइनली जो है ये कह रहा है कि भैया आप जो है इसका जो वॉइस असिस्टेंट है वो है कोर्टाना। तो आप चाहो तो नोट नाउ पे कर सकते हैं, नहीं तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ जो है इसका जो वॉइस असिस्टेंट है वो शायद जो है मेरे जो भी मैं बोलता हूँ, टाइप करता हूँ, तो उससे जो है ये इम्प्रूव होता रहेगा और मुझे जो है फर्दर लैपटॉप को यूज करने में हेल्प करेगा। अब जो है ये कह रहा है कि भैया आपके इस लैपटॉप में जो है विंडो 11 भी है, विंडो 10 भी है, तो मुझे देखना पड़ेगा। तो मैंने विंडो 10 तो यूज़ कर रखी है, तो मैं इस बार जो है विंडो 11 कर लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार अपडेट ना करना पड़े। तो मैं अपडेट कर देता हूँ, मेरा जो लैपटॉप है वो विंडो 11 में अपडेट हो रहा है, तो मुझे जो डाटा लगेगा वो 4GB के आसपास लगेगा, और मेरे ख्याल से मेरी हार्ड डिस्क में बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसमें शायद आधा घंटा या ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो मुझे शायद ये वीडियो अभी थोड़ी रोकनी पड़ेगी। तो अब जो है मेरा लैपटॉप जो है फाइनली जो है विंडो 11 में अपडेट हो रहा है, आप ये मैसेज भी दे सकते हैं। तो हम जो है फिर आपको विंडो 11 ही दिखाएंगे, और फ़ायदा भी है कि अगर मैं विंडो 10 में करता तो फिर अगर बाद में 11 में अपडेट करने के बाद जो है सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स वगैरह होती हैं, कई चीज़ें होती हैं जो दिक्कत कर सकती हैं, तो मैंने इसलिए जो है विंडो 11 को चूज़ किया है। तो चलिए अब जो हम देखते हैं कब तक ये बूट अप होता है, सेटअप होता है। तो दोस्तों मेरा लैपटॉप जो है फाइनली यूज़ करने के लिए तैयार है, और बैक में जो है विंडो 11 भी अपडेट हो रही है। तो आप ये देख सकते हैं अभी जो मेरे पास वर्जन है इसमें वो विंडो 10 ही है। तो इसकी जो डिस्प्ले है मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक है, इतना बुरा भी नहीं है जितनी लोगों ने इसकी बुराई करी है। बाकी मुझे तो काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। बाकी अब मैं आपको इसकी ऑडियो या वीडियो क्वालिटी चेक करके दिखाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि इसके भैया परफॉर्मेंस कैसी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब जो है मैं आपको इसकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी चेक करके दिखाता हूं, और मैंने आसपास की लाइटें बंद कर दी हैं ताकि आपको इसकी रियल वीडियो क्वालिटी दिख सके। अच्छा आप ये देख रहे हैं इसकी जो आवाज़ जो है मैंने थोड़ी सी बढ़ाई है, और ब्राइटनेस जो है 50% के आसपास है।
तो जैसे आपने देखा कि इसकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी, ऑडियो बहुत ज़्यादा लाउड है, क्लियर है, पर जो कमी मुझे अब लग रही है वो है इसके डिस्प्ले में। तो जो कलर है वो थोड़े से डल लग रहे हैं, मतलब मज़ा सा नहीं आ रहा है। तो मैं Lenovo का लैपटॉप भी यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास HP ब्रांड का भी लैपटॉप है, उससे मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्प्ले जो है अगर बेहतर होता तो बहुत ही अच्छा होता। डिस्प्ले में जो मुझे लग रही है इसमें थोड़ी कमी है। दोस्तों आप इसकी टेक्निकल डिटेल जो है इसकी प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं। जैसे ये प्रोसेसर है इंटेल कोर i5 1130H, और ये इसकी स्पीड रेंज आप कह सकते हैं। रैम जो है इसमें 8GB के आसपास है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 64-bit x64 बेस प्रोसेसर। और ये जो है इसके विंडो के बारे में, तो मैंने जो है इसमें विंडो 11 होम डाल दी है जो कि ओरिजिनल है। तो अब हम सीखते हैं कि भैया आप इस लैपटॉप में अपने हिसाब से कैसे पार्टीशन बना सकते हैं। तो मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग हुई कि इसमें भैया कंप्यूटर मैनेजमेंट कहाँ है। तो सबसे पहले जो है आप ये देखिए, ये सर्च का आइकन है, यहाँ पर जो है आपने सर्च में लिखना है कंप्यूटर मैनेजमेंट, टाइप करोगे तो आ जाएगा, और जैसे आप इसको खोलोगे तो ये कंप्यूटर मैनेजमेंट आ गया। कंप्यूटर मैनेजमेंट में जो है आप ये देखिए स्टोरेज के अंडर जो है ये डिस्क मैनेजमेंट है। जैसे आप ये देख रहे हैं मेरे दो पार्टीशन है, एक विंडो सी जिसमें मेरा विंडो 10 या 11 है, सारे सॉफ्टवेयर का बैकअप है, और एक पार्टीशन डी है जिसमें डाटा लिखा हुआ है। तो ये डिफॉल्ट पार्टीशन बना रखे हैं, तो ये 330GB के आसपास है। तो चलिए मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ और एक नया पार्टीशन बनाता हूँ। तो ये देखिए कैसे आपने बनाना है, डिलीट वॉल्यूम में करना है। कह रहा कि भैया आप इसको डिलीट करोगे तो सारा डाटा हो जाएगा, तो मैं यस कर देता हूँ। तो अब जो है ये वार्निंग मैसेज आया है, तो मैं इसको यस कर दूंगा। तो ये मेरा 329GB का जो है डाटा है बिल्कुल फ्री हो गया है। तो इसमें जो है मैं पहले एक 100GB का पार्टीशन बनाऊंगा, तो नेक्स्ट में करना है। तो आप ये पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो नेक्स्ट किया, और अब ये देख रहे हैं कि ये 36972 आ रहा है। तो मैं जो है यहाँ पर 10000 मतलब 100GB के आसपास का डाटा लिख दूंगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट करना है, और आप चाहो तो ये पूछ रहा कि भैया आप कौन सा लेटर देना चाहते हो। तो जैसे आप कोई भी देना चाहते हैं, मैं डी दे देता हूं। तो आप चाहो तो इसको जो है MT NTFS फोल्डर भी दे सकते हैं, बिना किसी ड्राइव या पाथ के भी रख सकते हैं, एक प्रकार का सीक्रेट पार्टीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट करना है, और फिर जो है आपने जो है इसको फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट की सेटिंग आप समझ लीजिए, फाइल सिस्टम जो है, जैसे मैं NTFS रख रहा हूँ, इसमें आप चाहो तो चूज़ भी कर सकते हैं, XFAT भी रख सकते हैं, पर मैं NTFS रख रहा हूँ। अलोकेशन यूनिट साइज जो है आप, मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ, आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से, अगर आपको समझ हो कि भैया कौन सा साइज रखना है, आप रख सकते हैं। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट में ही सेट कर रहा हूँ। वॉल्यूम का जो नाम है मैं बैकअप रख देता हूँ। इसके नीचे जो है आप ये देखिए, ये परफॉर्म एक क्विक फॉर्मेट है, तो ये आप ना कीजिए। स्लो फॉर्मेटिंग से जो है इसमें किसी प्रकार के बैड सेक्टर वगैरह नहीं बनेंगे। नीचे जो है आप ये देखिए, अनेबल फाइल एंड फोल्डर कंप्रेसर, तो मैं ये नहीं करूँगा, अनसेलेक्ट कर दूँगा। तो ये दो चीज़ें जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट नहीं किया है, और नेक्स्ट कर देता हूँ। और ये सारी डिटेल जो है इसमें आ गई है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते भी है, इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है। और मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ, और आप ये देखिए मेरा जो है 100GB के आसपास एक नया पार्टीशन बन रहा है। तो जब तक ये बनता है मैं दूसरे में भी सेम स्टेप्स कर देता हूँ। तो न्यू और फिर नेक्स्ट, तो ये बता रहा कि भैया कितना अपने वॉल्यूम रखना है, तो मैं जो मेरा स्पेस रह गया है मैं सारा इसमें अलोकेट कर देता हूँ। और मैं पार्टीशन को जो नाम जो है वो मैं ई दे रहा हूँ, और सेम सेटिंग जो फाइल सिस्टम जो है NTFS, अलोकेशन यूनिट साइड जो है डिफ़ॉल्ट, वॉल्यूम लेवल जो है मैं इसको सोर्स दे देता हूँ। और ये जो है जैसे परफॉर्म एक क्विक फॉर्मेट जो है मैं इसको अन क्लिक कर देता हूँ, क्लिक हटा देता हूँ, और नेक्स्ट पे फिर आपने क्लिक करना है, और ये सारी डिटेल आ गई है। तो इसको आप
एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो मैं इसको चेक करने के बाद इसको फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये देखिए मेरा एक पहले ही पार्टीशन फॉर्मेट हो रहा है और ये दूसरा जो है इस जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग हो जाएगी। मेरे दो दो पार्टीशन जो हैं एक साथ फॉर्मेट हो रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने पहली बार किया है, मैं हमेशा एक ही पार्टीशन एक टाइम फॉर्मेट करता हूँ, तो शायद विंडो 11 में पॉसिबल है। इस पार्टीशन को बनने में जो है 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक लग सकता है। ये था दोस्तों लैपटॉप के सेटअप के बारे में। अगर आपको ये सारी टेक्निकल डिटेल आती है कैसे पार्टीशन बनाना है तो आप ये पार्ट जो है वीडियो का स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों 30 मिनट में जो है मेरे सारे पार्टीशन बन गए हैं। तो चलिए मेरे पास जो पहले के लैपटॉप है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं। तो मेरे पास जो है HP ब्रांड का 2-in-1 लैपटॉप है। तो इसमें जो है आपका ये डिस्प्ले है वो भी टच वाला है। तो मुझे ये 48,000 के आसपास पड़ा था। तो इसको थोड़ी सी रैम और इसमें जो है स्टिक वाली हार्ड डिस्क लगाने के बाद की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी। तो थोड़ा सा भी ये स्लो है और मैंने जो है अपने HD TV के लिए एक प्रकार की ये मिनी किट खरीदी थी। आप चाहो तो एक किट लगाकर अपने TV को विंडो 8.1 वाला कंप्यूटर बना सकते हैं। ऐसे ही जो है आजकल पॉकेट टाइप जो है आपको डेस्कटॉप मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बुक साइज जितना जो है कंप्यूटर खरीदा है तो ये वाला जो कंप्यूटर है मुझे 30,000 के आसपास पड़ा था। इसमें किसी प्रकार की कोई रैम या हार्ड डिस्क नहीं थी, तो रैम और हार्ड डिस्क मैंने अलग से खरीदा। और इसी तरह से जो है मेरे पास जो है 12 इंची मिनी लैपटॉप भी है छोटे मोटे काम करने के लिए। वैसे ये 4-5 साल पुराना हो गया तो इसकी बैटरी जो है बिल्कुल डेड हो गई है। तो मुझे बैटरी चेंज करके जो है आपको ये मैं चलाकर भी दिखा देता। दोस्तों मैं वीडियो की डिटेल में जो है MI हो या Redmi Book हो या Lenovo हो या Asus या HP सभी ब्रांड के सभी कंपनियों के लैपटॉप्स का लिंक्स डाल दूंगा। और आप चाहो तो हमारी पुरानी वीडियो में Asus मिनी PC PN सीरीज का भी रिव्यू देख सकते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो ऐसी बनाऊं कि भैया किसी को किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत ना रहे। मतलब आप मेरी वीडियो देखकर उसमें जो है पार्टीशन कर पाएँ, उसमें विंडो एक्टिवेट कर पाएँ। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो इसीलिए जो है मैं गेमिंग टेस्टिंग या आप कह सकते हैं कि भैया कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसी है ऐसी ऐप का डेमो नहीं दूंगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है सुखदेव तनेजा, इसके नीचे आप रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना है तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टेबलेट पर तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना है तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टेबलेट पर आएंगे।